बीते कुछ दिनों पूर्व एक प्राइवेट विद्यालय में बच्ची के साथ हुए कुकृत्य को लेकर के भागलपुर में लगातार आक्रोश बढ़ते ही जा रहा है। इसी बीच भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल में नवमीं कक्षा की छात्रा के साथ इस विद्यालय के दो गेम टीचर मुकेश प्रसाद और प्रिंस यादव के द्वारा किए गए छेड़छाड़ के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आज दर्जनों विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रसार के सामने काला पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पीड़ित को न्याय दिलाने एवं दोषियों और दोषियों का संरक्षण करने वाले प्रचार्य पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते दिखे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सेंट जोसेफ विद्यालय के प्रचार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है यह प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। आगे हस्ताक्षर अभियान से लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन तक जारी रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अपने बाहों में काली पट्टी बांध कर यह विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूर्व से ही तीन दिनों से चार दिनों से लगातार ये हमारा आंदोलन चल रहा है। आज हम लोग काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सेंट जोसेफ की घटना है वो सभी के नज़र में है। किस प्रकार से दो शिक्षक भक्षक के रूप में छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उसको संरक्षण देते हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुआ है। विद्यार्थी परिषद ने मांग भी किया है जल्द से जल्द प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से हटाकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए एवं जांच कमेटी बैठाकर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई जो है प्रशासन का उस ओर ध्यान नहीं है। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है। आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से समाज के बीच जाकर न्याय यात्रा की तैयारी करेगी और न्याय के लिए समाज के पास जाकर हर एक चौक चौराहे पर जाकर न्याय मांगेंगे। कुणाल पांडे, विभाग सह संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।